देखिए आप सभी लोगों को पता है कि जहाँ पर भी डेंगू का कोई केस आता है या कोई जीका का केस आया तो वहाँ पर हमको जहाँ भी केस होता है उसके 50 घरों के आसपास तक स्पेस स्प्रे करना होता है। स्पेस स्प्रे का मतलब ये हुआ कि जो 50 घर होते हैं रोगी के आसपास के 50 घर वहाँ पे जाना होता है और वहाँ के सभी कमरों में जितने भी बाथरूम है रसोई है जितने भी कमरे हैं वो कमरा जहाँ से जानवर वानवर बांधे जाते हैं उन सभी पे हमको स्पेस स्प्रे करना होता है। तो स्पेस स्प्रे करने के लिए इस तरीके का हैंड कंप्रेशन पंप होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि इसको कैसे प्रयोग किया जाता है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर इस तरीके का एक लिट होता है। इस तरह के लिट में आपको पायरेथ्रम डालना होता है। पायरेथ्रम आप कैसे डालेंगे? पायरेथ्रम डालने के लिए आपको 19 लीटर केरोसिन में 1 लीटर पायरेथ्रम मिलाना होता है। ये उसका रेशियो होता है 1:19 का रेशियो। 1 लीटर आपका रहेगा पायरेथ्रम और 19 लीटर रहेगा आपका मिट्टी का तेल केरोसिन। ये मिश्रण आपको केरोसिन में ही बनाना है, डीजल में, पेट्रोल में, है ना, या किसी अन्य लिक्विड में आपको नहीं बनाना है। 1 लीटर आपका पायरेथ्रम रहेगा और 19 लीटर आपका रहेगा मिट्टी का तेल या केरोसिन। अब उसको मिला लिया आपने, उसके बाद आपको इसमें भरना है। इसकी कैपेसिटी लगभग 9 से 10 लीटर होनी है, लेकिन आपको पूरा इसके मुंह तक नहीं भरना है, थोड़ा सा इसमें जगह खाली रखना है ताकि इसमें एयर आ पाए। ये यहाँ पर इस तरीके से लिट बना है जो उन्होंने खोला है शैलेंद्र ने। इसमें आपको इस लिट के माध्यम से जो मिश्रण आप बनाएंगे 1 लीटर पायरेथ्रम और 19 लीटर मिट्टी का तेल का, वो आपको इसमें डाल देना है। डाल करके आपको उसको बंद करना है। इसको आपको इस तरीके से बंद करना है कि ठीक ठाक टाइट हो जाए ताकि एयर का लीकेज इसमें से ना हो, ठीक है ना। एक बार जब आप इसको अच्छे से बंद कर देंगे, जैसे ये बंद कर रहे हैं, ये जो लंबी डंडी लगी हुई है ये इसीलिए लगी है ताकि इसको अच्छे से आप टाइट करके बंद करें ताकि इसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाए, एयर लीकेज ना हो। उसके बाद जिस तरीके से साइकिल में हवा भरते हैं उस तरीके से आपको इस तरीके से इसमें हवा भरना है, है ना, बड़ी है ना। इस तरीके से आपको इसमें हवा भरना है। कब तक हवा भरते रहना है? जैसे कि हम साइकिल में हवा भरते थे, हम हवा कब तक भरते थे? जब तक कि वो बिल्कुल पंप टाइट ना हो जाए, या तो हम दबा करके देखते थे कि टायर में हवा ठीक भरे है कि नहीं। अब इसमें दबा के तो देखने का कोई प्रावधान है नहीं, तो हमको ये तब तक भरना है जब तक कि हमको ये लगे कि हाँ, क्योंकि ये पूरा नहीं भरा हुआ है, थोड़ा समय लग रहा है। अगर ये पूरा भरा हुआ होता तो प्रेशर बनाने में ज्यादा समय आपका नहीं लगता है। अब इसको ऐसे बंद कर देना, ये लॉक से इसको बंद कर देना। उसके बाद ना आपको यहाँ पर ये लॉक रहता है, लॉक से इसको बंद कर देना है। अब इसके बाद आप करेंगे क्या, इसको लेकर अपने पीठ को इस तरीके से आप इसको टांग लेंगे। यहाँ टांगने के लिए बना हुआ है, है ना, पीठ पे आप इसको इस तरीके से टांग लेंगे। हर घर में आपको जाना है। यहाँ पर जब आप इसको दबाएंगे इस तरीके से तो देखिए निकल रहा है ना, इस तरीके से पूरा निकलेगा। ये आपको घर के टाइट कर लेना कि ये टाइट है ना, ये टाइट नहीं है। घर के जितने भी कमरे हैं, बाथरूम है, रसोई है, जानवर जिस कमरे में बांधे जाते हैं उन सभी कमरों में जाकर के वहाँ आपको इसका छिड़काव करना है। घर के जो कोने हैं, सामान के पीछे की जगह है, घर का कोई भी कमरा आपको छोड़ना नहीं है। ऐसा ना करें कि किसी घर में जाएं सिर्फ एक आध कमरे में करके चले आए, है ना। आपको जाना है और ये जो बटन है जब इसको दबाएंगे तो इस तरीके से स्प्रे निकल रहा है, इस तरीके से फुहार निकलेगा और ये फुहार आपको पूरे घर में इस तरीके से कर देना है। एक घर में घुसे जब पूरा घर हो जाए उसके बाद एक इसमें लॉक भी लगा दिया, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आपको लंबे समय तक करना है तो यहाँ पर ये लॉक होता है, इसको आप दबा करके ऐसे लॉक कर देंगे तो ये लगातार यहाँ से फुहार ये निकलती रहेगी, है ना। जब आपको बंद करना है तो उस लॉक को बंद कर दीजिए, ये वापस से ठीक हो जाएगा, है ना। इस तरीके से जा करके आपको करना है, अच्छे से करिए, कोई भी घर छूटे ना। जीका और डेंगू के आसपास के 50 घरों में आपको इस तरीके से छिड़काव करना है।